बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? होप है आप सब ठीक होंगे, बड़े मज़े में होंगे। अगर जब सब बड़े मज़े में हैं तो आज हम बनाते हैं खट्टे मीठे आलू। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी तैयारी की तरफ। पैन मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे और 4 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी यूज़ कर रहे हैं। कलौंजी का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, आलू में बहुत मज़े का लगता है टेस्ट। 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और तकरीबन मैंने आधा इसमें गुड़ यूज़ किया है। आप इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब। अगर शुगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा टुकड़ा गुड़ का यूज़ किया। इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है इसमें आलू में। गुड़ और इमली का जो इसमें फ़्लेवर निकलता है उसकी तो बात ही अलग है। ये गुड़ मेल्ट हो चुका है। फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा कि हाँ ये हमारा जो मसाला है या कलौंजी जले ना। इसमें 1/2 टीस्पून में कुटी हुई मिर्च यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है क्रश करके, और 1/2 टीस्पून मैंने इसे काला नमक यूज़ किया है। इसमें वाइट नमक यूज़ नहीं करेंगे, काले नमक का जो फ्लेवर है वो एक अलग ही है। तो बस अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मुस्तकिल स्पून चला रही हूँ ताकि ये जले भी ना और एक सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो हम इसे हाई फ्लेम पे नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे करेंगे मसाले को, कि अच्छे से सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही मज़े और बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू। अच्छा, मैंने आलू ले लिए हैं 1/2 किलो के करीब, और जिसे मैंने नमक नहीं डाला था। और बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब कीजिएगा इसके, छोटे क्यूब्स होते हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें डाल देंगे मसाले में 1/2 किलो के हिसाब से, जो मैंने आपको सारी ये चीज़ें बताई हैं। मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, हर चीज़ का फ्लेवर इसमें बिल्कुल परफेक्ट होगा। ना मिर्चें तेज़ होती हैं इसमें, ना ही ज़्यादा ये खट्टे होंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। बस हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाएंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे इसे हम। बस इस चलाने का मकसद है कि सारा फ्लेवर आ जाए मसालों का। फ्लेम बंद कर दिया, अब डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये आलू। आप बनाएं, कभी बच्चों का मूड होता है नहीं खाते हैं बॉयल आलू, तो इस जो है फॉर्म में आप बना के नहीं बच्चों को देखें कैसे मज़े से खाएंगे। उम्मीद है आपको मेरे खट्टे मीठे आलू पसंद आएंगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने आलू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही एक छोटा सा बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।